हेलो, आज हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट का हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम वर्क करते हैं, वो हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट डालती है। तो हमें जितना हो सके मैक्सिमम दिन में नेचर के साथ कनेक्टेड रहना है। नेचर की एक क्वालिटी है कि वो हमेशा शांत, हमेशा खुश। जब भी हम नेचर से कनेक्ट होते हैं, जब हम समुंदर के किनारे जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, झील के किनारे जाते हैं, तो वो शांति, वो फ्रीडम फील होती है, क्योंकि हम नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं। सो दिन में मेक श्योर मैक्सिमम टाइम चार दीवारी से बाहर, जितना कम समय हो सके चार दीवारी में रहना है। ऑफिस में है, बोल सकते हैं कि डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है, दिस इज़ वट आई यूज़ टू डू। घर में है, मैक्सिमम टाइम बाहर। और एवरी डे वॉक करनी है, पार्क में जाना है, किसी ना किसी तरीके से नेचर से कनेक्टेड रहना है। बेस्ट थिंग गार्डनिंग, एक छोटे लेवल पे, टेरेस पे भी कर सकते हैं। गार्डनिंग करने से भी हैप्पीनेस की इमोशंस रिलीज होते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब हम गार्डनिंग करते हैं। उसके साथ साथ मेक श्योर एवरी डे सनलाइट, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग की धूप ख़राब नहीं करती है। मेक श्योर वो मिस नहीं करें, क्योंकि सन हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल नीड है, उसे मिस नहीं करना है। और घर के अंदर, ऑफिस के अंदर मेक श्योर फ्लावर्स हों, प्लांट्स हों, जो एयर प्योरीफाई करें, हमें अच्छा फील कराएं, जो एनवायरनमेंट अच्छा बनाएं। एंड लास्ट, एक स्पिरिचुअल ट्रिप बनाएं। किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं, जहाँ गांव हो, जहाँ नेचर हो, वहाँ जाके कुछ दिन रहकर हमें अपने ऊपर काम करना है। जितना हम नेचर से कनेक्ट रहेंगे, उस समय हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचर से कनेक्टेड होगी, ऑटोमेटिकली शांत रहेगा, नेगेटिविटी नहीं चलेगी। उस टाइम इट विल बी वेरी इजी फॉर मी कि कोई भी एक पॉजिटिव थॉट ली, उसको बार बार पक्का करते रहे, क्योंकि उस समय मन हल्का होगा, शांत होगा, तो उस समय बहुत इजी होगा हमें अपना संस्कार बदलना, मन को समझाना। तो जब भी नेचर में जाएं, गार्डनिंग करें, पार्क में जाएं, किसी गांव में जाएं, किसी फील्ड में जाएं, तब अपने आप को सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव थॉट से भरते रहें। उस समय बहुत इजी होगा मुझे अपना संस्कार बदलना, अपनी थॉट पैटर्न को चेंज करना। थैंक यू।